तो सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो फाइनली यहाँ पर आयोग ने एक अधिसूचना नोटिस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी है 24 मार्च आज थोड़ी देर पहले। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो है आपको लिस्ट नहीं कि लास्ट लास्ट तक तो दो रिजल्ट देखने को मिलेगी, तो एक रिजल्ट आपका जारी हो चुका है जिसमें आपका कनेक्शन आएगा। आपके अन्य पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, बहुत सारे पोस्ट थे, लगभग 746 के करीब पोस्ट इसमें थे। उसके लिए आपके अभिलेख सत्यापन यहाँ पर सब कुछ आपका होना है। और इसमें 31 अक्टूबर 2021 को इसका आपका प्रथम पाली में और यहाँ हुआ था, और उसके द्वितीय पाली में इसका पेपर हुआ था। और लिखित परीक्षा के आधार पर आपका यहाँ पर 29/4/2022 तरह यहाँ पर जो है नॉन यहाँ पर टाइपिंग को लेकर बाकी सभी के लिए यहाँ पर जो लगभग 500 पद थे उनको लिए यहाँ पर 4 गुना अभ्यर्थी टंगर के लिए बुलाए गए थे। और 30/5/2022 इसका टेक्सकरण परीक्षा हुई थी। तो उसका रिजल्ट अंतिम चयन जो है परिणाम आयोग के ऑनलाइन जो आवेदन पत्र के दावे उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है। और इस सभी की अभिलेख सत्यापन की आपकी तिथि रहेगी 3 अप्रैल, ठीक है। 3 अप्रैल से आपका यहाँ पर प्रस्तावित रखा गया है इसके लिए, और बाद में डेट डेट निकाल दिए जाएंगे। अभी आप लोग फाइनल रिजल्ट चेक कर लीजिए, और हाइस्ट आपका 83 पॉइंट समथिंग यहाँ पर गया हुआ है, और इसमें यहाँ पर आयोग ने जारी करा है जनरल लिस्ट, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसकी लास्ट डेट अगर लिस्ट के बारे में बात करें तो कितनी गई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने अपने कैटेगरी में रोल नंबर वाइज आप यहाँ पर जो है अपने प्राप्त अंक दे सकते हैं, और ये रिजल्ट आपका हो चुका है आउट। और जिनका भी चयन हो चुका हो उनको सभी को बधाई। और इसमें कितने गई हैं आप मैं बता ही देता हूँ, इसमें थोड़ा सा लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक मेरा जनरल जनरल का ही है अभी तक का, और उसके बाद यहाँ से है, ठीक है। ये ई डब्ल्यू आ चुका है यहाँ पर, ये जनरल लिख, ठीक है। 57 गई है लास्ट जनरल एक्स वालों के लिए। और जनरल अगर मैं बात करूँ एक्स को छोड़ के, तो उत्तराखंड वुमेन के यहाँ पर देखते हैं काफ़ी कम गई है, लगभग 62 की समथिंग गई है। और जनरल अनरिजर्व्ड अगर देखा जाए तो ये तो वुमेन का ही है, ठीक है। और ओपन कैटेगरी में देखा जाए तो ये जनरल का आपका गया है लगभग, ठीक है, 67.1839 करके गया है। तो ये आपका जनरल ओपन कैटेगरी से है जो कि लगभग 67 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। बाकी आप देखते हैं अलग अलग कैटेगरी है। और इसमें बात करूँ नेक्स्ट ई डब्ल्यू एस का, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये ओबीसी का है, ओबीसी का आप लोग देखें 67 से स्टार्टअप का है। ई डब्ल्यू एस का लास्ट गया हुआ आपका यहाँ पर 62 गया है, वो भी यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड वुमेन का है ई डब्ल्यू एस का उनको गया हुआ है। और ओपन कैटेगरी से आपका गया है 63 पॉइंट समथिंग यहाँ पर गया हुआ है ई डब्ल्यू एस का। और ये ओबीसी का है, ओबीसी का आप लोग देखते हैं ओबीसी कितनी गई है। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक गई हुई है ओबीसी, ओबीसी आपकी गई हुई है आपकी ओपन कैटेगरी वुमेन का ओबीसी में गया है यहाँ पर 63.8040 के समथिंग गया है। और एक्स आर्मी के लिए यहाँ पर 61 पॉइंट समथिंग गया है। अगर ओपन कैटेगरी अगर बात करूँ मैं ओपन कैटेगरी से, यहाँ पर देखिए 65.25 गया है, तो 65.25 के करीबन आपकी गए वाले हैं, ठीक है, ओपन कैटेगरी से। उसके बाद से यहाँ पर एस सी का देख सकते हैं, हमारा 67.14 से स्टार्ट आपका हो रहा है, और ये एस सी का देखते कहाँ तक गया हुआ है। और ये एस सी का आप देखिए दोस्तों, ये गया है 60 से ज़्यादा, 50 ये गया है, ठीक है। ये आपका लास्ट गया है आपका एक्स आर्मी का 36 पॉइंट समथिंग गया है। उससे पहले वुमेन का गया है आपका यहाँ पर एस सी का 57.81112 गया है, ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी से अगर बात करूँ यहाँ पर, तो ओपन कैटेगरी का गया है आपका एस सी में 60.18 करके समथिंग गया है, ठीक है। और उसका एसटी का है 67 से स्टार्ट होगा एसटी का, एसटी का आपका गया हुआ है लास्ट, ये आपका गया है वो पीएच वालों का है, ठीक है, ये तो पीएच वालों का है, ये पी एच वालों का है 60। ये एसटी का गया आपका 63 पॉइंट समथिंग गया है, वो भी ओपन कैटेगरी से 63.32172 गया है, ठीक है। और वहीं पीएच का गया है आपका यहाँ पर 66 से लेके लास्ट में गया आपका पीएच का 55 की समथिंग गया है। तो इन सभी का चयन हो चुका है फाइनल लिस्ट को लेकर, जिनका यहाँ पर है नाम आ रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपना अपना रिजल्ट। आप सभी को बधाई जिनका भी यहाँ पर नाम आया हुआ है।